हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हेडिंग आपने पढ़ ही लिया होगा, कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काली है, NDA शर्म करो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर ऐसा कुछ हुआ जैसे जी मेंस में हुआ है तो कटअप बढ़ सकता है, सारा प्रिडिक्शन धड़े का धड़े रह जाएगा, किसी का भी प्रिडिक्शन मतलब 10 नंबर इजली बढ़ सकता है। और ये आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज़ आर्टिकल आप देखिए, ये एक CBI वाला जो आपने न्यूज़ पहले पढ़ा था, ठीक है, CBI ने कहा छात्र की जगह एग्जाम में बैठने वाले फर्जी कंजे को मिलते थे 5 लाख रुपए, ये न्यूज़ आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब जो मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ जो प्रूफ के साथ कि NTA ने क्या क्या किया है, NTA मतलब कुछ भी कर सकता है दोस्तों। जी मेंस में आप जाके यूट्यूब सर्च करो, कहीं भी आप देख लो जी मेंस में क्या हुआ है उसका रिजल्ट में। अब देखो, 6 लाख में दो जी मेंस में 20,000 रैंक पाओ, बिहार के सोलवर गैंग दे रहे थे ऑफर, NTA के सेंटर पर अच्छी रैंक दिलाने का दावा, और ऐसा हुआ है। NTA स्कैम में एक कैंडिडेट के 2 रिस्पॉन्सशीट आई सामने, और ये सामने आपके रिस्पॉन्सशीट है, ये बच्चे ने शेयर किया, आप देखिए दो दो रिस्पॉन्सशीट आ गई है भाई, तो मतलब आप देखो क्या हो क्या रहा है। तस्वीर में देख रही दो आंसर शीट एक ही स्टूडेंट के है, छात्रों का कहना है कि परीक्षा में धांधली हुई है, और ये बहुत सारे साथ स्टूडेंट के साथ हुआ है दोस्तों, क्योंकि ट्विटर पे और सारे जो जी वाले स्टूडेंट हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं, और इनके साथ मतलब बहुत ही इन प्रूफ के साथ ये बता रहे हैं कि यहाँ गड़बड़ी हुई है। दो दो कैसे आ सकता है, दो दो कैसे आ सकता है बताओ, दो दो रिस्पॉन्स कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, और ख़ास करके सोलवरगंज से बात भी हुई है, उसमें ये भी लिखा हुआ है, देखिए सोलवरगंज बोलता है कि पटना में आप सेंटर दिलवा दो और हमारा हम लोग सेटिंग कर लेते हैं, पूरा मैनेज कर लेते हैं। देखिए हम लोग, ये देखिए सोलवरगंज बोलता है हम लोग NIT में एडमिशन कराते हैं, हम लोग आपको रैंक प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपको कॉलेज मिल जाएगा, टॉप 10 NIT में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। लड़का बोलता है कैंडिडेट, लेकिन सर NIT में जो सीट मिलती है वो तो GMAN के जरिए टॉप रैंकर्स को मिलती है, ऐसे कैसे हो पाएगा। देखिए यहाँ पे सोलवरगंज क्या बोलता है, जी मेंस में आपका सेंटर औरंगाबाद है, हम औरंगाबाद में काम नहीं करते, अगली बार आप सेंटर को चेंज करके पटना डाल दीजिए, वहाँ पटना में हमारा सेंटर मैनेज होता है, आप सेंटर के सेंटर मैनेज कर लेते हैं। तो ये ऐसे नीट में भी होता है, आप लोग बात को समझिए यहाँ, क्योंकि पिछले बार भी देखने को मिला था, इस बार भी CBI पकड़ा, तो यही चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो, ये एक डर होती है। आप भी कमेंट करके बताइए, आपको भी डर होगा कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि कटअप इंक्रीज हो जाए, हम लोग सब आपको बता रहे हैं कटअप डाउन जाएगा, सीटें बढ़ी है, सब चीज़ हुआ है, सीटें बढ़ी, उसके अलावा पेपर हार्ड था, लेंदी था, उससे सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टीचर्स जो भी है, कि कटअप कम होगी, मैंने भी आपको बताया हुआ है सारे। लेकिन आप देखिए, ये एक जो न्यूज निकल के आया है और इससे जो लग रहा है कि भाई कुछ भी हो सकता है, NTA इतना मतलब इसको पता नहीं क्या, आप लोग भी कमेंट करके बताइए दोस्तों। और क्योंकि यहाँ देखिए CBI ने जो पकड़ा, देखिए फोटो ID नीट वाले में आप देखेंगे यहाँ पे फोटो ID तक बदल देते थे, ठीक है। एजेंसी ने सोमवार को दिल्ली में जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें 6 लोगों नीट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, आप देखिए ये चीज़ है। अब सॉल्वर में कुछ तो पकड़े गए, कुछ नहीं पकड़े गए होंगे, लेकिन ये हर साल होता है, और यहाँ तो प्रूफ आपको मैं दिखा दिया कि यहाँ जो ये है देखिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है, डबल रिस्पॉन्स शीट अगर ऐसा कुछ होता है तो भगवान ही मालिक है, ठीक है दोस्तों। होप कि सब कुछ अच्छा हो और जो रन कैप लोग का मिले अच्छा मिले और कोई ये ना हुआ हो, ठीक है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए, और ठीक है, और चैनल पे नया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, बाय।